अनुज देखो ना, मेरी भाभी जेल में है और मेरे किए हुए जुर्म की सजा काट रही है। वो जुर्म उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो तो बस मुझे बचा रही है। अच्छू जिंदा है, वो इसी शहर में, वो इसी घर में। जानता हूँ वो जिंदा है, अच्छू जिंदा है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन अगर अच्छू को पता चल गया कि तुम संजना भाभी को बचाने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेगा। मिश्री, तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं। लेकिन मैं इस पछतावे के साथ कैसे जी पाऊंगी? मैं यहाँ खुश हूँ, बेचारी वहाँ बदनामी और दर्द झेल रही है। मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? मैं अपनी नई जिंदगी कैसे शुरुआत कर सकती हूँ? संजना भाभी, संजना भाभी, संजना भाभी, कब से एक ही रट लगा के बैठी हो तुम? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं? अजय, मेरी बात सुनो। अजय, शायना, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं, अब मेरा दिमाग ठीक हो गया है और मेरा दिल तुम्हारे प्यार में पागल। मैं सच कह रही हूँ अजय, मेरी बात का तो यकीन करो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैं ये सब छोड़ दूंगी, मैं एकदम बदल जाऊंगी, तुम्हारी संजना जैसी बन। अपनी गंदी जबान से संजना का नाम मत लो तुम, जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी, जब तक तुम हाँ नहीं कर देते मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरे प्यार को इंसाफ देना होगा अजय। अपनी बकवास बंद करो शायद, तुमने मेरे घर में घुसकर मेरे परिवार वालों को परेशान किया, संजना को जेल भिजवा दिया और तुम चाहती हो कि मैं तुम पे विश्वास करूं? अजय, अगर तुम्हें नफरत करनी है ना तो अपनी श्रेया भाभी से करो। क्या? क्योंकि इस सर्कस की रिंग मास्टर वो है, उसी ने मुझे अज्जू की बहन बनाया था और अज्जू के मर्डर की साजिश उसी ने रची थी। बंद करो अपनी बकवास, मुझे मेरी संजना को इस दलदल से कैसे भी करके बाहर निकालना है। और तुम्हारी संजना को इस दलदल से सिर्फ मैं ही निकाल सकती हूँ। हम महिला जागृति मोर्चे से, हम जानना चाहते हैं कि अज्जू मर्डर केस में क्या हो रहा है। देखिए, आजकल औरत पे जितने भी जुर्म हो रहे उतने वो कर भी रही है। हम नहीं चाहते कि हमारी छवि पर कोई दाग लगे, इसलिए। देखिए, आप चिंता ना करें, अज्जू मर्डर केस में कोई रियायत नहीं करी जाएगी। इस केस को कानून की नजर से देखा जाएगा। और बात रही इनकी, बाप एनजीओ हेड है तो क्या हुआ, बेटी कुछ भी करेगी क्या? इसलिए आप निश्चिंत रहिए और कानून पर भरोसा कीजिए। और इस केस की बाकी डिटेल मैं भी आपसे शेयर नहीं कर सकता। ठीक है। सॉरी साहब, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बस, अब और नहीं। तुम मुझे डराओगी, तुम मुझे अब धमकी दोगी। अपनी औकात मत भूलना, आगे से ऐसा कुछ करना भी मत। याद है ना कौन नौकर है और कौन मालिक? जितने पैसे देने थे मैंने दे दिए, उतने काफी नहीं है, मुझे और भी चाहिए। जितना काम किया है उसके लिए उतने पैसे काफी है। तुम दोनों मेरे सर पे चढ़ के नाचने की कोशिश मत करो। वो बेवकूफ अज्जू खुलेआम सड़कों पे घूम रहा था, बहुत ही मुश्किल से उसे मैंने पैराडाइज होटल पहुंचा। श्रेया जी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान ने इतनी सुंदर आंखें दी पर तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, तुम्हारी आंखों की रोशनी छिन गई थी। देखो, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आई। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू भाभी। ये सब झूठ है। श्रेया भाभी झूठ बोल रही है मामा जी, इनका कोई इलाज नहीं हुआ है। अजय, ये क्या बोल रहे हो तुम? श्रेया भला झूठ क्यों बोलेगी? मामा जी, श्रेया भाभी कभी अंधी थी नहीं कि उन्हें कभी इलाज की जरूरत पड़े। अजय, लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो ये? अजय और संजना पे लांछन लगाने से पहले एक बार अपनी इस
कई कई रुपए श्रेया से पूछ लीजिए कि कहां कहां इसने जाल बिछाए। अग्रवाल जी माफ कीजिएगा लेकिन हमारी बहू को हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता।